मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे को शिकस्त देने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। इस जंग में बीजेपी के खिलाफ भगवाधारी संत भी उतर आए हैं। कंप्यूटर बाबा, बाली बाबा, मिर्ची बाबा सहित सैकड़ों संत सरकार के खिलाफ लोकतंत्र बचाओ यात्रा निकाल रहे हैं। भिंड में कांग्रेस प्रत्याशी हेमंत कटारे के पक्ष में सभा को संबोधित करते हुए बाली बाबा और मिर्ची बाबा ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा और साथ ही प्रदेश में एक बार फिर कांग्रेस की सरकार बनाने का दावा किया। शिवराज ने जनता के वोट की सरकार को नोट से खरीद के बनाया है रातों रात। तो जब सरकार को नोट से खरीदा है तो बाली बाबा ने फिर संकल्प ले लिया है और सभी संतों ने बाली बाबा के साथ मिलकर के कह दिया है कि अभी तो जनता के वोट की सरकार थी पर अब शिवराज के नोट की सरकार है। और जनता के न्यायालय में कांग्रेस के कमलनाथ जी और जनता के बीच में अब कांग्रेस के वोट की सरकार होगी। बाली बाबा ने दाढ़ी फिर कर दी है।